नमस्कार, मैं अनिल सोलंके, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं और मेरा क्लोन, जो बहुत ही टैलेंटेड क्लोन है, वो हम दोनों चर्चा करेंगे। किस बात में, किस बारे में हम चर्चा करेंगे, किस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में। आपको पता ही होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के जो 11 दिनों का युद्ध था, अब उसको विराम लग चुका है। दोनों देशों ने सीज फायर के लिए मंजूरी दे चुकी है। अब ये सीज फायर की मंजूरी इसराइल को क्यों देनी पड़ी और भारत खुल के सामना क्यों नहीं कर रहा इसराइल का, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अभी तो युद्ध विराम हो चुका है, इसमें 12 इजरायली सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 100 से लोग, बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके हैं। वहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो फिलिस्तीन में जो हमास जो संगठन है गाजा पट्टी में, उनके 262 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे बच्चों और मासूमों की भी जान जा चुके उनमें, और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा अनिल सर से पहले तो, कि अनिल सर मुझे एक बात तो पहले बताओ कि इसराइल 11 दिनों से युद्ध लड़ रहा था, वो गाजा पट्टी में हमास को ध्वस्त कर ही रहा था, तो ऐसी कौन सी मजबूरी इसराइल में आ चुकी है, इसराइल को हुई, उसके लिए उसको युद्ध विराम का सोचना पड़ा? आप मुझे बताइए प्लीज। यस यस अनिल, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी इन योर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी इसराइल को कि युद्ध विराम करना पड़े। एक्चुअली क्या हुआ था, जो बाइडेन ने कॉल किया था इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को, और उनको एक्चुअली ऐसा जस्ट एक सजेशन या आप कहे तो रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये युद्ध जो चल रहा है ना, वो फिलहाल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत मासूमों की जान जा रही है और गाजा पट्टी का बहुत सारा आपने नुकसान किया भी है, तो अभी के लिए कुछ दिनों के लिए एक्चुअली आप युद्ध विराम कीजिए। तो इसराइल किसी से डरता नहीं है पहली बात तो, और पर अमेरिका हमेशा एक्चुअली क्या करता है, हितेशी रहता है अपना इसराइल का, तो कभी कभी इसराइल को अमेरिका की बातें माननी पड़ती है। दूसरा, वहाँ से एक्चुअली इसमें मिस्र का भी बहुत सारा हाथ है। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने भी इसने हस्तक्षेप लिया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि इसराइल के और मिस्र के जरा ताल्लुकात उतने बुरे नहीं है, अच्छे ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री जो बॉर्डर के साथ उनकी सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पे रशिया बोले चाइना, इनका कहाँ ना कहाँ एक छोटा सा इंटरनेशनल प्रेशर ज़रूर था, पर ये इंटरनेशनल प्रेशर इस तरीके से नहीं था कि युद्ध विराम करना पड़ा। उन्होंने सोच समझ कर निर्णय लिया था, उनको पता था कि हमने गाजा पट्टी में इतना नुकसान किया है कि आने वाले 20 सालों तक ये गाजा पट्टी के जो लोग हैं ये अपने आप को डेवलप करने में लगा देंगे, तो उन्होंने उनको 20 साल पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपना काम तमाम किया और काम करने तमाम करने के बाद ही इन्होंने डिसीजन लिया। पर हालांकि इस डिसीजन में उन्होंने कहा है कि भाई डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठेंगे, अगर ये सीज फायर का उल्लंघन फिलिस्तीन के द्वारा हुआ तो यहाँ से गोला बारूद होगा, ये चेतावनी दी है हमको। थैंक यू वेरी मच। और एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा उठ रहा है, दो क्वेश्चन है बस, ज्यादा आपका मैं समय नहीं लूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये, पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो लोग है, ये इसराइल पे हमला करने वाले ऐसा कह रहे हैं, क्या तथ्य इनमें और ये क्या बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान की आप बात ही मत करो, पाकिस्तान इसराइल के साथ में टिक ही नहीं सकता। पाकिस्तान से फपारे मारने वाला देश है, और सब वहां के जो लोग है ना, वो क्या सोच रहे मालूम है क्या, सूरज के ऊपर रॉकेट डालेंगे ऐसा सोच रहे हैं। इनकी सोच ही ऐसी है पाकिस्तान लोगों की, उनके बारे में क्या बहस करना, पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं। पहली बात तो ये है, पाकिस्तान के खुद की आर्मी डर के मारे घर बैठती, वो क्या, और फिलिस्तीन के लिए उसके उसके संसद में, पाकिस्तान के संसद में कोई महिला ये है एमपी है, वो कह रही है कि हम जिहाद करेंगे। उसी संसद में से कोई एक इंसान मिलता है, हम अनुबंध डाल देंगे इसराइल पे, अगर इसराइल ने नाटक ज्यादा किया तो। ये पाकिस्तान किसी काम का देश है नहीं, पाकिस्तान से पपरी मारने वाला देश है, इसके बारे में कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ये ट्रीटी में, समझे आप, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। धन्यवाद इस क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए, और आप जिस बेवाक अंदाज में बोल रहे हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट का क्वेश्चन, आप मुझे इसमें पूरा सा डिटेल में बताइए कि इसराइल हमेशा भारत की मदद करता है, 1971 में जितनी बार हम जंग लड़े हैं पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ, हमें हथियारों की सप्लाई इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसराइल ने आज तक मदद की है, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है भारत देश की, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, कि ये पूरी तरीके से खुले में पूरी तरीके से क्यों इसराइल का सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और इसके पीछे क्या इंटरनेशनल प्रेशर है हमारे ऊपर, या और कोई तो ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से भारत सरकार पूरी तरह से डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पा रही इसराइल को,
इसके बारे में आपका क्या व्यू है? नहीं देखिए, भारत एक्चुअली खुल के सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि भारत में कुछ भारत की सरकार के लिए कुछ मजबूरियां हैं। एक्चुअली इशू क्या, मैं आपको रियल बताता हूँ। भारत को चाहिए वीटो पावर, जिसे 5 देशों में यूएन में उसको किसी भी हाल में छठा देश बनना है। तो 197 देशों में से 2/3 मेजोरिटी देश उसके साथ चाहिए अगर भारत सरकार को वीटो पावर चाहिए तो। तो अगर 1/3 में बोलूँ, 197 है तो 130 देशों का सपोर्ट चाहिए। उसमें से 57 देश इस्लामिक रिपब्लिक के हैं। अगर 57 देश नाराज होंगे तो भारत को क्या वीटो पावर मिल पाएगा? वो एक इशू है। दूसरा एक इशू है कि जो अरब मुल्कों में हमारा व्यापार है वो कहाँ ना कहाँ थोड़ा इसराइल के एज अ कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है। भारत सरकार भी अपनी एक मजबूरी है जिसके साथ एक्चुअली उनको चलना पड़ता है, तो वही है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। जितने भी इस क्वेश्चन थे उसका आंसर आपने दिया है, और ऐसे ही आपका नॉलेज जो है इसके बारे में मैं क्या कहूँ। बहरहाल जो भी है, इस वीडियो को अगर मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, हम दोनों की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए।